स्वाध्यायारं नमो लोई सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुत्तम मंगलम वन्दे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निश्चय सिद्धि का जाए तो आत्मा अकेला है और समयसार जी में एकत्व के साथ दूसरा विशेषण दिया है विभक्त। एकत्व विभक्त आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम पर से न्यारा है और व्यवहार नैसी देखा जाए तो लोग में एक भाषा बोलते हैं हम सब एक हैं, हम सब और एक। हम सब तो बहुवचन हो गया, हम सब अनेक हैं कि हम सब एक हैं। हम सब अनेक हैं कि एक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं, एक होते हुए भी अनेक हैं। क्या अर्थ हुआ? संख्या की अपेक्षा अनेक है, हम सब संख्यावाचक हो गया। और एक का मतलब हो गया हमारा लक्ष्य एक है, हमारा संकल्प एक है, हमारे देव एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, हमारा धर्म एक है। हम सबका देव कौन है? वितरागी। गुरु कौन है? निर्गंत। धर्म कौन है? अहिंसा। हम सब एक है। साध्य क्या है? मोक्ष। ध्येय क्या है? आत्मा। इसमें किसी के लिए कोई अंतर नहीं है। ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, पूर्ण सुख की अविनाशी सुख की प्राप्ति हो, अविच्छिन्न सुख की सच्चे सुख की प्राप्ति हो, यही हम सबका लक्ष्य है। इस साध्य की प्राप्ति के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र ही होना चाहिए और हैं। होना क्या चाहिए? हैं क्या? देव, गुरु, शास्त्र। एकदम पवित्र। आपने सुना होगा धूल फेंकने से आकाश मलिन नहीं होता, सूर्य मलिन नहीं होता। धूल केवल फेंकने वाले की आंखों को मलिन करती है, उसे मलिन करती। श्रावकाचार्य जी में श्रावकाचार्य जब कहें, श्रावकाचार्य तो बहुत हैं लेकिन रत्नकंठ श्रावकाचार्य को मुख्य रूप से कहते हैं। श्रावकाचार्य में कहा स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य। मार्ग स्वयं शुद्ध है। बालासक्त जनाश्रयाम, किसी अज्ञानी के द्वारा अथवा किसी ज्ञानी की असक्तता के द्वारा कभी कोई दोष हो जाए तो मार्ग दूषित नहीं होता, मार्ग लुटता है। मार्ग नहीं लुटता है, मार्ग अच्छा है। मार्ग थोड़ी अच्छा है, मार्ग पर आरोपण जाता है। देखो फिर भी न धर्मो धार्मिक बिना। जिन धर्म को पहचानेंगे लोग तो जैनों के आचरण से पहचानेंगे, जैनों के आचरण से पहचानेंगे। आचरण कहते हैं तब श्रद्धा और ज्ञान अंतर्गर्भित हो गया। जैसे वृक्ष कहने में वृक्ष का मूल जड़, महल कहने में महल की नींव अंतर्गर्भित है और वह मूल आधार है, ऐसे ही हमारी श्रद्धा भी हमारा मूल आधार है। आपने पढ़ा होगा श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है। धन पैसा का लुटेरा ठीक है, वो तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन शील का लुटेरा बड़ा लुटेरा है और श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा। सौहार्द कहें, वात्सल्य कहें, लगभग एक से शब्द हैं। और आप जानते हैं वात्सल्य और सौहार्द सम्यक दर्शन का सातवां अंग है। सातवां अंग है, सात अंग से पहले 6 अंग और होते हैं, उन अंगों पर ध्यान देना चाहिए। उन अंगों के बिना 7 अंग कहां से होंगे? 6 मंजिल के बिना 7वीं मंजिल कहां से होगी? 6 सीढ़ी के बिना 7वीं सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? सबसे पहला है निसंकेत अंग। सौहार्द के लिए, वात्सल्य के लिए निसंकेत अंग की क्या उपयोगिता है? जो हमारे परस्पर में मिथ्या दोषारोपण होते हैं, अथवा तो दोष मिथ्या ही है होते हैं, दोषारोपण ही मिथ्या है। मिथ्या दोषारोपण अलग बात है, एक दोष ही मिथ्या है। इन मिथ्या दोषारोपणों के भीतर देखा जाए तो हमारे हृदय में, हमारे अंतरंग में हमारी श्रद्धा की कमजोरी अथवा विपरीतता है। परिवार, आप कितना परिवार मानते हो? अब तो बहुत संकीर्ण परिवार हो गए, पति पत्नी और बच्चे। भाई का परिवार परिवार ही नहीं मान रहे, पिता की मैंने परिवार ही नहीं मान रही, बस उतना सा परिवार रह गया। बड़ी पुरानी कहावत है गांव की, कुलुआ कुलुआ जानते हो? कुल्लड़ मट्टी का। अब तो डिस्पोजल के जमाने में कौन जानेगा, डिस्पोजल प्रदूषण फैलाता है, कुल्लड़ प्रदूषण नहीं फैलाएगा, गल करके धीरे धीरे मट्टी हो जाएगा, खाद बन जाएगा। पर डिस्पोजल प्लास्टिक आपकी प्रदूषण फैलाएगी, लेकिन पत्ते की जो पत्तल है वो गल करके खाद बन जाएगी। एक बात। दूसरी बात, इस कुल्लड़ और पत्तल के साथ में कितने बिना पूंजी वालों को रोजगार मिलेगा। पेड़ से पत्ते ले आए और उन्होंने बना ली पत्तल, बेच ली 100 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए, अपनी रोजी चल रही। गांव के रोजगार ही ऐसे थे। हमारी संस्कृति जीव और जीनो दिख लिया, कुल्लड़ पत्तल वे घास ले आए, झाड़ू बना लिए, उन्हें रसली बटली। अब इनमें पूंजी नहीं लग रही। अब फैक्ट्री के लिए तो आपको पूंजी चाहिए और ये सब चीजें फैक्ट्री में बनाने लगी और प्लास्टिकों की बनाने लगी। उससे देश में सारा प्रदूषण हो गया और गरीबों की रोजी रोटी छिन गई। इधर टीवी, मोबाइल और ये तुम्हारे विलासिता फैल गई। दो तरफा मार पड़ी, एक तो रोटी रोजी का ठिकाना नहीं, एक गम भूलने के लिए दुर्व्यसन, टीवी में बैठी, मोबाइल में बैठी, उसमें बैठी काम। हम दृष्टांत दे रहे थे कुल्लड़ का। कुल्लड़ में गुड़ फूले तो कुल्लड़ फूटेगा तो गुड़ फूटेगा, कुल्लड़ फूटेगा। यही हम कर रहे हैं। वैसे ही अपन छोटे लोग हैं, कम लोग हैं, संख्या कम है, और तो भी आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। सामने वाला आपकी फूट का फायदा उठा रहा है, फायदा नहीं है वो। फायदे का काम तो लड़ते हुए दो भाइयों को मिला देना है। लड़ा देने में फायदा नहीं है, लड़ने में फायदा तो है ही नहीं, लड़ाने में फायदा नहीं है। इनकी उनसे कह दी, उनकी उनसे कह दी, उनकी उनने कह दी, कुछ खत्म हो गया। लूटो और लुटाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है, यानी कहां से आ गई। आपकी दुकान पर आया तो आप लूटो, और आप कहीं पहुंच जाओ, डॉक्टर के पास, वकील के पास, शोरूम पे, कहीं भी, तो आप लूटो। लूटो और लुटाओ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। सोचो, बैजी ऐसे बेच डाल करके बैठ जाते और दवा ले, क्या रुपये, 5 रुपये। अब जिसने 5 करोड़ का नर्सिंग होम बना लिया, वो 5 रुपये में कैसे आपको दवा देगा। वो पहले तो 5 करोड़ का ब्याज, इंटरेस्ट और तुम्हारी पूंजी, उसका सबका लगाएगा, उसके बाद फिर अपने लिए कुछ करेगा। सोचने समझने की बातें हैं। ये संस्कृति इतनी विपरीत है। टाइम का हमारा तोड़ा है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं। छोटे से बच्चे पर भी पढ़ाई का इतना बोझ है, आपके ऊपर आजीविका का इतना बोझ है, क्यों? अनावश्यक खर्चे बहुत है। आवश्यक खर्चे कम रह गए, अनावश्यक खर्चे बहुत है। जब अनावश्यक खर्चे बहुत हो गए तो उनकी पूर्ति नहीं है, और पूर्ति नहीं है तो बस लगे उसमें। आपको निशंक रहना चाहिए कि हमारे में कुछ नहीं होता। आत्मा स्वभाव से आनंदमय है, वो तो परमार्थ की बात है, लेकिन व्यवहार में भी हमारे उदय से ज्यादा कोई कुछ नहीं दे सकता, न ले सकता। इसमें भी निशंक रहना चाहिए। इसमें निशंक रहोगे तो हम कमाते कमाते मरे जा रहे हैं, हम काम करते करते मरे जा रहे हैं, हम क्यों करें, हम अकेले, ये तो करता नहीं, इसको भी करना, ये सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जो मिथ्या दोषारोपण की वृत्तियां हैं, वे सब की सब अगर तत्व ज्ञान से देखा जाए तो जैसे सूर्य से अंधकार भगता है, ऐसे सूर्योदय से, ऐसे ज्ञानाभ्यास से ये अज्ञानमयी बातें सब खत्म होने, परस्पर में सौहार्द बढ़ेगा, आपका प्रेम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तत्व ज्ञान के। तत्व ज्ञान के बिना कसायों को कोई नहीं मिट सकता। एक तत्व ज्ञान ही है, वह कसायों के ऊपर अंकुश लगाने में, कसायों को कम करने में, कसायों को मिटने में समर्थ है, कसायों को बदलने में समर्थ है। बदलना जानते हो? क्रोध को क्षमा जा, मान से मार जाओ, है विनय, माया को आर्जव, लोभ को संतोष से, घृणा को प्रेम से, भय को साहस से, मनोबल से। अगर हम थोड़ा सा भय के प्रसंगों में साहस से काम लें, मनोबल अपना बनाए रखें, तो आगे भय के प्रसंग टल जाएंगे। कसायों को बदलने में भी समर्थ है। कौन? तत्व ज्ञान। हमें गुस्सा तो आई, फिर हम अब तत्व ज्ञान में विचार किया हमने, अरे अपना ही तो हो जाए, इनका क्या दोष है, खत्म मामला बदल गई। पर ये अपने हाथ से गिरे तो किसी को क्रोध नहीं आएगा, अगर किसी दूसरे का हाथ लग जाए गिर जाए तो क्रोध आएगा। कैसे करते हो, हाथ में जान नहीं है, देख के नहीं करते, गिरा दी तुमने, अपने हाथ से गिर गई कहेंगे और दूसरे के हाथ से गिरा दी। अपन लेट हो गए और दूसरा लेट आता है, भाषा अलग है, लेने के बांट और देने के बांट अलग अलग, सोचने के तरीके अलग अलग। हमारा पाप का उदय और दूसरे का पाप का परिणाम दोष। परिवार, आचार्य समंत भद्र स्वामी ने परिवार को बदला। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा, ये हमारा परिवार है। सच्ची घटना है, एक जगह गए, बोली पंडित जी आपके भाई हो, हमने आप कौन हो, वो तो ठीक है, सगे पूछ रहे हम। हमने कहा सगे क्या होता है, सगे होता क्या, सगे माने क्या, एक माता एक पिता, तभी तो सगे कहेंगे हैं। तो हम सबके अनंत पिता हैं और जिनवाणी माता है, सगे भाई बहन है। सगे भाई बहन है, ऐसा नहीं है। ये संकीर्ण विचारधाराओं को तोड़ देने में समर्थ है। ये गुलाला रे, ये खरबुआ है, ये फलाने, अरे भाई हम सब आत्मा हैं, हम सब जैन हैं, हम सब श्रावक हैं। एक देव के उपासक अनेक कैसे होंगे, संख्या में अनेक होंगे, लेकिन साधु रच तो एक होगा। कथाओं की तीव्रता के कारण, कर्तृत्व के अहंकार के कारण विघटन होते हैं। कथाओं की तीव्रता के कारण, जब हम अधिक से अधिक भोगों पर अधिकार करना चाहते हैं, और कर्तृत्व का अहंकार, अधिकार की भावनाएं आती हैं और कर्तव्य की भावना चली जाती हैं, बस वहीं विघटन होने लगता है। जहां श्रेय लेने की भावना आती है और कार्य करने की भावना चली गई, वहीं समय लोग विघटन हो गया। बहुत सी चर्चाएं आई थी पहले। अपना सुख बांटना सीखो, दूसरों का दुख बांटना सीखो। कैसे बांटा जाएगा? अरे सुख के प्रसंग में हम सबको बुलावा देते हैं कि नहीं, सबको मिल बांट करके खाते हैं, खिलाते हैं कि नहीं, और भैया लड्डू खिलाओ, पास हो गए, खूब लाभ हो गया, एक विधान करा ले, अब की तो खूब मुनाफा हुआ, खूब अच्छा सीजन चला है, एक फलाना काम कर लो, एक सिविल लगा दो, एक गोष्ठी करा दो, मतलब करते रहते परस्पर में एक दूसरे की। एक सबसे बड़ी बात जो हमारी सौहार्द के बढ़ने में है, वो है हमारी चर्चा। चर्चाएं बराबर जारी रहना चाहिए, बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। ये बोलचाल के बंद होने में हमारा बहुत नुकसान हुआ, दूरियां बढ़ी हैं, भ्रांतियां फैली हैं, कोई कुछ कह देता सोच समझ लेते हैं, अटकलें लगाते रहते अपने, बोलचाल बंद। भाई बोलचाल चालू रखो आप अपने। हमारे घरों में एक परंपरा थी, सवेरे उठ करके बुजुर्गों से जय जिनेन्द्र प्रणाम आदि करते थे, वो बड़ी अच्छी परंपरा थी। शुरुआत ही घर की यहाँ से हुई, दिन की शुरुआत यहाँ है। अब बस वो बड़ा वहां से निकल गया, छोटा वहां से निकल गया, वो वहां से निकल गया, बड़े को छोटे की पता नहीं। सच्ची बात है, हमने छोटे भाई से पूछा, हमने क्यों, बड़े भाई की तबीयत खराब, बोले हमें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, एक ही घर में तो रहती हो, हमें नहीं मालूम। मन नहाय धोए अपने मंदिर आ गए और पूजा करे। ये क्रियाओं का धर्म हमने समझा है। हमने आपको स्वाध्याय में ही बार बार कहा, परिणामों का धर्म समझना होगा। क्रियाओं के काल में हमारे परिणाम कैसे हैं, ये बात देखना होगी। चाहे पूजा हो, चाहे स्वाध्याय हो। आज हमारे साधर्मी भी आपस में बोलते चलते बस चले जाए। पंडित जी के तो 5 हो लेंगे, लेकिन आपस में नहीं बोलेंगे। अरे पंडित जी अलग थोड़ेंगे अपन साहब। वृक्ष के अंगों से वृक्ष अलग है, शरीर के अंगों से शरीर अलग है, तो सम्यक दर्शन के अंगों से सम्यक दर्शन अलग होगा। ये मेरे तेरे की भावनाएं, स्वार्थ बने की, ये खतरनाक है। किसी भी हालत में बोलना चालना नहीं बंद होना चाहिए। और बोलना चालना केवल ऊपर ही नहीं, जहां नहीं बोल रहे वहां तो बोलते हैं खूब, और जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेंगे। हम इनसे कह रहे थे बैठ जाओ, भोजन कर जाओ, चले आओ। कोई ये पूछने वाला नहीं है जब नमक कम है कि ज्यादा है कि ठीक है क्या, कुछ नहीं। हम सीख रहे हैं, अभिमान से सीखोगे। हम सीख रहे हैं। अरे सीखेंगे तो तब जब पूछेंगे। वाचना प्रश्न अनपरीक्षा आमना सुधार कर, जब गलती का एहसास हो तब तो सीखेंगे। कुम्हार घड़ा बनाता रहता है, जिंदगी हो जाती है तो वो सराफा सीख जाता है, सोने की परख सीख जाता है। क्या बस हमने मान लिया और दूसरे को सिखाने लगे, दूसरे को सिखाने लगे, दूसरे को सिखाने लगे। ये बहुत भारी बीमारी है। अपन ने सोची और कुछ नहीं किया, बस अब ठीक है, सही है, कछ गई नहीं हमसे। माने कहो और कहो तो कसा है। ये भारी बीमारी हमारे भीतर हो गई है। घर घर का यही हाल है। मुंह से नहीं बोलना, भीतर जाने क्या क्या सोचना, भय का भूत बना देना, अटकलें लगाना, पांव दाबना। अरे पांव हम छोड़ेंगे? तुम्हारा स्वाध्याय क्या हुआ, तुम्हारी चर्चा क्या हुई, तुम्हारा भोजन पान हुआ कि नहीं, हमारा भोजन पान हुआ कि नहीं हुआ, तुमने आज क्या किया, हमने क्या किया, कुछ नहीं। बस कोई मतलब नहीं, ऐसे रह रहे जैसे पड़ोसी पड़ोसी रह रहे। हमें अपने से मतलब है। सोचो, ये साधर्मी का बादशाह नहीं है और हो भी नहीं सकता जब तक 7 में से 6 नहीं आएंगे। 7वां कहां से आया है? हम किसी की उपेक्षा करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं, और हमारी जब कोई उपेक्षा कर दे सोई बस हमारे दम निकलती है। यानी क्या बात है, नाराज है, फलाना है, जीते है, जाने क्या सोचेंगे। तुम जिंदगी भर मत बोलो तो कुछ नहीं, और हम नहीं बोले तुमने पूछा तो बस खत्म, गुस्सा हो गए। ये तुम्हारी सोच गलत है। स्वाध्याय भले करो, शास्त्र पढ़ो, श्लोक रटो, पूजा करो, कोई काम नहीं आए। एक भाई बोले समाज के लोगों को कैसे जोड़ें, आप बताओ कुछ। हमने तुम खुद जुड़ जाओ अच्छी तरह तो समाज के लोग तुम्हें देख देख करके जुड़ जाएंगे। सच कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम्हें देख करके कोई नहीं जुड़ेगा, बल्कि ये कहने लगेंगे हमसे तो, इनसे तो हम ही अच्छे हैं। फिर क्या होगा? परिवार का परिवार चलता अपनत्व से, समझ से, विवेक से, सहन शक्ति से। जैसे उत्तर देना, कुतर्क करना बंद कर दो। समझाना मत करो, समझो। सुनाओ मत, सुनो। सुनाना नहीं है, समझ सफाई देना है। वो ऐसे भी हमने ये सोचा, तुमने क्या सोचा ये छोड़ो। सेवा करना हमें हमारे हिसाब से सेवा करना है कि तुम्हें अपने हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, जब तुम्हें टाइम हो तब। इनको दुकान से जब टाइम मिला तब तुम्हें बुलाने आए तो कैसे कम बनेगा? अरे तुम्हारा भोजन का टाइम है तब तुम्हें बुलाएंगे कि इनको टाइम मिलेगा तब जी बुलाएं? सोचो। वक्ता के अनुसार से श्रोता चलेगा कि श्रोता के अनुसार से वक्ता चलेगा? राष्ट्र में रह रहे, राष्ट्र के नियम तुम्हें पालने हैं कि तुम्हारे घर के नियम से राष्ट्र चलेगा? परिवार में अपनी अपनी मान्यताएं, कर्तव्य हम ही कर रहे हैं, हमारे बिना नहीं होगा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। अरे भैया, श्रेय देना सीखो दूसरों को। जितनी हम आलोचना निंदा करते हैं कोई गलती की, उससे चौगुनी प्रशंसा करना चाहिए गुणों की। और शुरुआत नेगेटिव से नहीं, प्रशंसा से करो। रोटी तो बढ़िया बनी है, दाल बढ़िया बनी है, बस जरा सा नमक कम है। आओ अब यह डाले, खत्म मामला। नमक भी नहीं डाला, खत्म हो गई बात। अब तुमने जो नहीं है उसको देख रहे हो, जो है उसे नहीं देख रहे। करना चाहिए कि भाषा नहीं छोड़ो, करना चाहिए कि भाषा नहीं होना चाहिए। हम स्वयं कितना कर रहे हैं? कोई नहीं आए स्वाध्याय में तो हमें पूछना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, हम पूछते हैं या नहीं? कि हम नहीं पूछते तो फिर क्या मतलब? आचार्यों ने आचरण पूर्वक आचरण का उपदेश दिया है, यथानुभूत मार्ग को कहा है। जो जीव सुखी होना चाहते हैं वे दुख से छूटने के लिए जैसे मेरी आत्मा ने श्रामण को अंगीकार किया, उसी प्रकार से श्रामण को अंगीकार कर। गुरु को गुरु समझना, देव को देव समझने का मतलब क्या है? अपनी कह चले यार, अपनी कह चले यार, सुन ही नहीं रहे। एक दृष्टांत हमने लिया था पहले। 500 आदमियों की पंगत हो, पुराने जमाने की पंगतें हैं, बफर सिस्टम नहीं है। पंगत हो तो पंगत में आगे पीछे शुरू नहीं करती। लड्डू आए तो लड्डू खाने लगे और जिसके पास आया सो खाने लगा, ऐसा नहीं करते। पंगत में पहले परोस होते, परोसने के बाद अलग अलग जगह रिवाज है। कहीं अंगोछा हला देते हैं, कहीं हाथ जोड़ देते हैं, कहीं पंखा चला देते हैं। भैया भोजन करो, अब तुम बैठी रहो, हमसे तो कहीं नहीं। कब मूर्ख हो गए? हमसे कहीं नहीं, तुम अलग हो क्या? नहीं, हमें अलग से कहो कि भोजन करो। क्यों करें? जब 500 आदमियों से वो भोजन कराने वाला बेचारा कैसे कहेगा अलग अलग? भैया भोजन करो, भैया भोजन करो, भैया भोजन। सवेरे शाम तक यही हो जाएगा। कितनी सुंदर पद्धति है। भैया चूर्ण होता है, चूर्ण होता क्या होता है? हमसे अलग से कहो, हमसे तो कहीं नहीं। अरे तुमसे कहीं नहीं, इस चूल्ही पर जो मेहमान भी आएगा भोजन करने वाला, तो उसका भोजन निमंत्रण वहां है, यहां नहीं है। चूल्हा नहीं जलेगा। वहां हम लोक व्यवहार में समझ जाते हैं और यहां परमार्थ के व्यवहार में मूड हो जाते हैं। ऐसा लगता है हमसे कहीं नहीं रहे। आचार्य आदेश नहीं देते, मुंडाज आदेश नहीं देते, उपदेश देते हैं। ये शिष्य की पात्रता है जो आदेश उपदेश को आदेश समझता है। आदेश समझता है, किसको उपदेश को ही आदेश समझता है। ये हमारी समझने की पात्रता है। मुखिया की जिम्मेदारी बड़ी, बड़े की बड़ी जिम्मेदारी, छोटे की छोटी जिम्मेदारी। तुमने नीति में पढ़ा होगा, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पाद। अरे बच्चे तो गलती करेंगे, बच्चे नहीं गलती करेंगे तो क्या बूढ़े गलती करेंगे? और बड़ों को क्षमा भी करना है, क्षमा करो। अरे क्षमा नहीं करें तो कैसे बैठ पाएंगे हम? एक दिन नहीं बैठ सकते, सच कह रहे। आप क्षमा मांगते हो, प्रदर्शन करते हो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। गलती का एहसास करो, काय की क्षमा करें? कछु नहीं, आज लेट हो गए ना, आज आ नहीं पाए, आज फलाना हो गया, ये कोई बातें हैं। आज अनादिकाल से अपने को भूले हुए हैं और आज की गलती नहीं है हमारी, कब की गलती चली चली आ रही जीवन की। माने क्षमा मांगना नहीं आता और क्षमा करना भी नहीं आता। हम बस रटे, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। अरे क्षमा करो के आगे के 10 धर्म हैं, विनय करो तब क्षमा करें। सरलता से स्वीकार करो अपराध को तब क्षमा करें। क्षमा करें किसको? किसको क्षमा करें और काय की क्षमा करें? काय की क्षमा करें? बोलो, कल तुम फिर वही काम करोगे, परसों फिर वही काम करोगे। तुम्हें एहसास ही नहीं है, तुम्हें तो ये दिखता है ये कसाय कर रहे। जिंदगी में नहीं सुधर सकते, पर का दोष देखने वाला जीवन में निर्दोष नहीं हो सकता। अपना दोष देखना सीखो। वात्सल्य कैसे होता, व्यवस्था कैसे होती है? कोई मेहमान आपके घर आया, अब हमें तो ज्ञान नहीं है, व्यवस्था बताओ, आप बता देना। अरे जी बताओ, तुम ये सोच लो हम किसी के यहां गए हैं कहीं, अब तुमको सवेरे से क्या चाहिए? अब बस सोई हाजिर करने लगो। जो अपने लिए चाहते हैं वही अगर दूसरे के लिए करना चाहें, बस खत्म हो गई बात। ये जैन दर्शन का एकदम व्यवहारिक सूत्र है। जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा व्यवहार स्वयं करो। जो लेना चाहते हो वो देना सीखो, जो काटना चाहते हो वो बोना सीखो। गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलोगे और जौ बोओगे तो गेहूं कहां से मिल जाएंगे? अगर तुम अवात्सल्य दोगे तो वात्सल्य कहां से मिलेगा? बड़ों का आदर करो, तुम्हें इसलिए मिलेगा बड़ों का आशीर्वाद मिलेंगे। छोटों से स्नेह करोगे, आदर मिलेगा तुम्हें। हमें अपना सम्मान अच्छा लगता है और दूसरे को सम्मान की पता ही नहीं। सवेरे से शाम तक जय जिनंद भी नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं लगता ही नहीं। महीना हो जाए घर में रहने वाले, और ये नहीं है कि एक जगह एक बार मिल तो लें, एक दूसरे के यहां भोजन ही कर लो। अरे बातचीत ही पूछ लो, सुख दुख ही पूछो। लगता है हम कर लेंगे, कर्तृत्व का इतना अहंकार है। हम अहम अहम अहम, इसको कुंदकुन स्वामी ने, अमृतचंद स्वामी ने पकड़ा है। मैं ये करता हूं और ये सब मेरे कार्य, मैंने बनाया है, मैं कमा रहा हूं, मैं कर रहा हूं। भैया हम नहीं कर रहे। मानतुंग स्वामी कहते हैं हम आपकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? आप अनंत चतुष्टय के धनी और हम अल्पज्ञ प्राणी। आपकी अनंत गुणों को जान भी तो नहीं पाएंगे तो कह कैसे पाएंगे? लेकिन फिर कह काय को रहे हो? ये तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात है। सूर्य को कोई दीपक दिखाता, सूर्य की आरती दीपक से उतारता है, गंगा को जल चढ़ाता है, गंगा में तो इतना जल है और गंगा को जल, त्वद भक्त रेव मुखरी कुर्ते बलानोम, हमारा ये मौन जब भक्ति से वो आपके प्रति आपकी मुद्रा सामने आती है तो स्वयं ही ध्वनि निकलनी पड़ती है, जय हो जय हो जय हो। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमर आवे, बस कछु नहीं कहो, जय जन, जैसे कोई मर गया हो, जैसे कोई मर गया हो। इस जय जनन के भीतर कितना उल्लास भरा है ये सोचो। अरे एक छोटा सा बच्चा कैसे अपने परिवार और गया, ए कंजारा कंजारा कंजारा, और तब तक वो घुस गया, बुआ बुआ बुआ, मां मां मां, वो बीच में सीधा चला गया। उसे नहीं मालूम तुम्हारे नियम के, उधर नहीं जाते इधर नहीं जाते, वो कुछ नहीं आता। बाबा हमारी अम्मा ने खीर बनाई थी सो खा के जाना, नवदा भक्ति हो गई उस बालक की, नवदा भक्ति तो देखो। लेकिन हमको ये लगने लगा हम बड़े हो गए। अरे कितने ही बड़े हो जाएं, ये नहीं पता वो भी तो बढ़ रहा है। कमल जल में कभी नहीं डूबता, जल बढ़ता है तो कमल भी बढ़ता है। तुम 4 साल बड़े हो गए, 30 वर्ष के हो गए, तो हम भी तो 4 साल बड़े हो गए। अब तुम बराबर कैसे हो जाओगे सोचो। तुम 50 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष बड़े हो गए, तो पिताजी भी तो तुम्हारे 75 वर्ष के हो गए, बड़े कहां हो गए। 25 वर्ष का जो अंतर था वो जहां का तहां है, जहां का तहां है। देखो भाई, कर्म को कोई तकलीफ नहीं है, कर्म अचेतन है, तकलीफ आपको है। इसलिए कर्म के नाश की पहल भी आपको करनी है। कर्म नहीं करेंगे, कर्म तुम्हारे विकार नहीं छुड़ाएंगे, तुम्हें विकार छुड़ा करके कर्म का नाश करना होगा। तकलीफ हमें है, लौकिक में हमारी घर पर या दुकान पर कोई कब्जा करके बैठा हो तो दावा हम करेंगे, वो काय करेगा, वो तो बेचारा बैठा, वो तो कब्जा करे बैठा आराम से, वो काय कब्जा। अगर हमें सौहार्द की चिंता है, रायचंद जी हमने बताया था ना, स्वयं पहुंचे उसके यहां, बोले भैया तुम्हें चिंता है तो हमें क्यों नहीं चिंता हो, हमारी तुम्हारी चिंता का कारण ये एग्रीमेंट ही तो है, उठा करके फाड़ दी। ये सौहार्द की पहल हमको करनी पड़ेगी। हम ये कहेंगे जय जनरी नहीं करती, अरे हम कर लें तो क्या फर्क है, ये नहीं करते हमसे, हम भी तो इनसे नहीं कर रहे। देखो सदव्यवहार के बदले में सदव्यवहार करना भी कठिन है, लेकिन फिर भी सरल है। दुर्व्यवहार के बदले में भी सदव्यवहार करे, अपकार का बदला भी उपकार से करे, उपसर्ग करने वाले को भी आशीर्वाद दे, ये जैन शासन। कर्तृत्व का अहंकार हमारे घरों में विघटन कराता है। अगर 60% काम हमारे जिम्मे आ गया तो हमें लगता है हम ही सब कर रहे हैं, और न्यारे हो जाओगे तो 100% करोगे कि नहीं करोगे, फिर दूध लेने जाओगे कि नहीं, फिर पानी भरने जाओगे कि नहीं, अरे 2 बाल्टी कैसी 3 बाल्टी, इसमें क्या